गाइस मैं हो चुका हूँ परेशान इस पुरानी टैक्सी को चलाते हुए, क्या मैं न्यू टैक्सी परचेज कर पाऊंगा? चलो देखते हैं, लेट्स गो। हेलो गैंग, वापस से खेले जा रहे हैं टैक्सी सिम 2022 एवोल्यूशन। ओके गाइस, लगा लिया मैंने सीट बेल्ट और यहाँ पर चलते हैं अपने पैसेंजर को ढूंढने के लिए। यहाँ पर लेट्स गो गाइस। यहाँ पर आज मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे को अगर न्यू कार लेनी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे को मिल चुकी है अपना पहले यहाँ पर पैसेंजर मिल चुके हैं। हेलो मैम, आइए आइए बैठिए, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर आने वाली हैं मैम, हमारी कार के अंदर बैठने वाली हैं यहाँ पर। ओके गाइस, हमारे पैसेंजर बैठ चुके हैं। गाइस आपको पता है इनका नाम क्या? कटरीना। यस, कटरीना बैठ चुके हैं हमारी टैक्सी में। आइए मैं, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है आज मेरे को। यहाँ पर चलते हैं गाइस, इनको पहले ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पर हॉर्न की भी आवाज़ नहीं आ रही है इनको यहाँ पर। लेट्स गो, हमें तो कोई गाइस यहाँ पर रेड लाइट को तोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो जाना। लेकिन एक सेकेंड, मैप में तो लोकेशन पीछे की दिखा रहा है और मैं आ गया भाई। वापस से पीछे चलते हैं गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर ये लो, फ्यूल लो हो गया है गाइस। यहाँ पर मैं फ्यूल डलवाना पड़ेगा। ओके, फ्यूल मैंने डलवा लिया। अब जल्दी से मेरे को पैसेंजर को उनके ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करना है। तो फ्यूल स्टेशन से तो मैं आ चुका हूँ फ्यूल डलवा के। अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि 3 मिनट बची हैं। और यहाँ पर मेरे को लेके जाना है कटरीना कैफ को इनकी लोकेशन पर। ये नकली वाली हो सकती है या रियल भी, लेकिन मेरे को जल्दी से जल्दी जाना है, क्योंकि मेरे को जल्दी जाऊँगा तो मेरे को मिलेंगे बहुत ज़्यादा पैसे। तो इनको सेफली भी लेके जाना है हमें यहाँ पर। ओके गाइस, मैं पहुंचने वाला हूं मैम की लोकेशन पर, जहां पर इनको ड्रॉप करना है। और यहां पर ही इनको ड्रॉप करना है। तो ये उतर जाइए मैम, आपकी लोकेशन आ चुकी है। और यहां पर इन्होंने दिए $810। और यहां पर ये हैप्पी हो के गई है, मतलब कि इनको अच्छा लगा हमारी टैक्सी में बैठ के। कोई नहीं गाइस, बढ़िया। यहाँ से पहले हम बैक कर लेते हैं अपनी टैक्सी को मैं बैक करके ले आया हूँ। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेंजर को ढूंढने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको पता ही है, अगर मेहनत नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर आ चुके एक और यहाँ पर पैसेंजर खड़े हैं। आइए मैम, आप भी आइए बैठिए। ओके, तो मैम बैठ चुकी है और यहाँ पर मेरे को जगह नहीं है, तो मेरे को ऊपर चढ़ के यहाँ पर निकालनी पड़ेगी अपनी कार। और यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी बहुत भी डैमेज नहीं करनी है मेरे को। अपनी कार यहाँ पर सेफली लेके चलना है मैम को। अगर मैं इनको यहाँ पर डैमेज करवा के पहुँचाऊँगा तो ये मेरे को सही लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को पैसे भी नहीं देंगी यहाँ पर अच्छी खासी। ओके गाइस, और यहाँ पर मेरे को लग रहा है फुल स्पीड में मेरे को ब्रेक मारने चाहेंगे। लेकिन गाइस देख रहे हो, गाड़ी पूरी ऐसे ड्रिफ्ट मार रही थी, लेकिन आगे वाली गाड़ी में ठुकी गई यहाँ पर हमारी कार। अगर गाइस मेरे को डॉलर्स ज्यादा चाहिए तो मेरे को अच्छा यहाँ पर ड्राइवर बनना होगा। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सेफली गाड़ी को चलाना होगा। और इनकी लोकेशन कुछ इतनी दूरी पर है। गाइस मैम की भी आ चुकी है ड्रॉप लोकेशन, और इनको यहीं पर उतरना है। और इन्होंने दिए हैं हमें $1,016। ओके गाइस, यहाँ पर अभी तक की मेरी सबसे बड़ी ये महंगी यहाँ पर कस्टमर थी, इन्होंने इतने पैसे दिए। और इनको मैंने पिक किया था एयरपोर्ट से, तो मेरे को एयरपोर्ट वापस से जाना चाहिए। वहाँ से कस्टमर लाऊंगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जल्दी से हम अपनी कार परचेज कर पाएंगे। ओके, तो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर, और यहाँ से ही मैंने कुछ कस्टमर लिए थे, मतलब कि एक पैसेंजर लिए थे। और यहाँ पर ये रेड वाले तो मेरे को लेने नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए बढ़िया सी बढ़िया कार। और यहाँ पर जाम किस वजह से लग रहा है गाइस, यहाँ पर इन कस्टमर से बात करते हैं कि इनको किधर जाना है। हेलो मैम, आइए। यस, बैठिए हमारी टैक्सी में, आपका वेलकम है हमारी टैक्सी में। गाइस इनको जाना होगा, फिलहाल चलते हैं इनको लोकेशन पर, इनकी पर ड्रॉप करना होगा। और इन्होंने दिए हैं 5 मिनट इनकी ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करने के। और यहाँ पर मेरे को बाइक एक्सीडेंट हो जाता तकड़ा वाला, वो तो हल्की ठुकी है यहाँ पर कार। जल्दी से हमको चलना होगा,
क्योंकि ज्यादा भी टाइम नहीं है, कभी पता पड़े कि ये बहुत ज्यादा दूर के हों। मैप में देखा जाए तो ये ज्यादा दूर के यहाँ पर पैसेंजर है नहीं। अगर हम फुल स्पीड में अपनी कार को भगाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे टाइम से भी पहले। तो मैम को सामने की तरफ ही यहाँ पर ड्रॉप करना है मेरे को। ओके, यहाँ पर ये मैम उतर चुकी है, लेकिन मैम तो जा रही है। भाई यहाँ पर फ्रॉड कर दिया मेरे साथ इन्होंने, तो मेरे को पैसे ही नहीं दिए। मेरे यहाँ पर जो मेरे को पैसे देने थे ये यहाँ तक आई, लेकिन इन्होंने पैसे ही नहीं दिए भाई मेरे को। कोई नहीं गाइस, फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हमने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली है, तो कुछ कार वार परचेज करते हैं अपनी। सो ओके गाइस, फिलहाल तो ये है मेरी कार और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार, देखते हैं कि कौन सी है। यहाँ पर ये नेक्स्ट कार फिलहाल तो ये भी थोड़ी छोटी सी लग रही है, और यहाँ पर ये बढ़िया लग रही है, मतलब कि पीछे जो ये लग रहा है। ओके, ये भी थोड़ी बढ़िया, लेकिन यहाँ पर ये कार देखी जाए तो ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही। फिलहाल ये लग रही है मेरे को मस्त। तो इस टैक्सी का प्राइस है 1,242। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास तो 15,000 है, तो मैंने कर लिया ये परचेज कार। हमने गाइस यहाँ पर हमने अब तक की सबसे महंगी कार अपनी टैक्सी परचेज कर लिया फाइनली। क्या ही मस्त लग रही है, मतलब की चमचमाती हुई यहाँ पर ये, और अंदर से देखा जाए तो गाइस क्या ही मस्त है यहाँ पर अंदर से भी। और एक सेकंड, सीट बेल्ट लगा लेते हैं और थोड़ा ग्लास व्लास भी चमका देते हैं आगे के। ओके गाइस, यहाँ पर हॉर्न तो वही है जो पहली कार में हुआ करता था, लेकिन गाइस क्या ही मस्त लग रही है। तो चलते हैं, अपने कुछ यहाँ पर पैसे डाले हैं तो अब पैसे भी कमाने पड़ेंगे। तो कस्टमर को देखते हैं अपने, लेते हैं पैसेंजर को, सामने की तरफ है पैसेंजर तो उनको बैठाते हैं। मैं पहुंचने वाला हूं यहां पर अपने पैसेंजर के पास और देखते हैं कि ये रेड वाले पहले नहीं बैठते थे, ये बोलते थे कि बढ़िया कार लेके जब बैठेंगे, लेकिन आज हमारे यहां पर ये बैठ चुके हैं, फाइनली बैठ चुके हैं ये। ओके गाइस, फिलहाल तो मैं बहुत धीरे धीरे चलाऊंगा इस कार को क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ओके गाइस, इसको बड़े ध्यान से चलाना है मेरे को। ओके, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल हौले हौले चलेंगे गाइस। और यहाँ पर इस कार की आवाज तो सुनो जरा, लगती है ना गाइस क्या ही मस्त इस कार की आवाज। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल पर नहीं रुकूंगा। ओ भाई, अभी डैमेज हो जाती और अब टाइम आ चुका है थोड़ा अपनी कार को भगाने का। मेरे को बहुत अच्छी लग रही है गाइस कार, आप कमेंट बताओ कि ये कार आपको कैसी लग रही है। ओके, तो मैं बहुत ध्यान से लेके आ चुका हूँ सर को इनकी ड्रॉप लोकेशन पर, क्योंकि मेरी ब्रांड न्यू कार थी तो इसको बहुत ध्यान से चलाऊंगा फिलहाल तो मैं। और किसी पैसेंजर को बैठाते भगाते हैं अपनी कार को, नहीं भगाएंगे नहीं, बहुत प्यार से चलाएंगे फिलहाल तो। यहाँ पर धीरे धीरे चलेंगे गाइस हम यहाँ पर। ओके, तो मैंने एक पैसेंजर को बैठा लिया गाइस और यहाँ पर धीरे से चलते हैं। यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर ये बाइक वाले ने क्या करा, मतलब कि यहाँ पर मेरे माइनस में तो गए पैसे हो तो छोड़ो, लेकिन मेरी ब्रांड न्यू कार को डैमेज कर दिया गाइस। यहाँ पर थोड़ा सेफली चलाना पड़ेगा, मेरी गलती ही भी नहीं, मैंने ब्रेक मारे, लेकिन वो ऐसे लेके आ रहा है कार को, अपनी बाइक को, फिर भी मेरी कार में उसने भिड़ाई दी और यहाँ पर मेरे आगे का कार का यहाँ पर डैमेज तो कर दिया होगा गाइस इसने। ओके, तो कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया था जहाँ पर ये कार रिपेयर होती है, उधर मैं आया था और यहाँ पर चेक करवाने के लिए। ये मैं ऐसा पहला यहाँ पर ड्राइवर होऊंगा कि यहाँ पर कार परचेज करता हूँ और मैं थोड़ी देर बाद ही उसको रिपेयर करवाने के लिए आया हूँ। वाओ, फिलहाल तो यहाँ पर ये कोई शटर ओपन नहीं हुआ है यहाँ पर जहाँ पर मेरे को ये कार रिपेयर करनी है। मेरे को लग रहा है कि अभी ये कार रिपेयर होगी नहीं क्योंकि इतनी डैमेज नहीं हुई है गाइस। तो चलते हैं, इससे बाहर निकलते हैं गाइस। मेरे को मिल चुके हैं यहाँ पर इस सामने की तरफ ही पैसेंजर, तो फिलहाल इनको बैठाते हैं अपनी न्यू टैक्सी में, अभी भी न्यू ही है गाइस। देखो यहाँ पर ये डैमेज इतनी हुई नहीं है मतलब की। ओके गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ सर की ड्रॉप लोकेशन पर और सर को कर दिया है मैंने ड्रॉप और यहाँ पर $800 दिए हैं इन्होंने। फिलहाल आज बहुत हमने कार बहुत सारी अपनी ओल्ड कार भी यहाँ पर ड्राइव करी और न्यू कार भी ड्राइव करके कस्टमर को उनको उनकी लोकेशन पर पहुंचा दे। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बताना कि आपको ये न्यू टैक्सी कैसी लग रही है। हम मिलेंगे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक And bye.